आज का जो आपका प्रश्न है कि ब्रेन को कैसे मजबूत करें और उसमें कपालभाति का क्या उपयोग है। ब्रेन भी आपके शरीर का एक अभिन्न अंग है और एक ऐसा अंग है जो बाकी सारी चीजों की व्यवस्था करता है। आपके ब्रेन को किस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाए। प्रणाम आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना। आज हम प्रश्न ले रहे हैं मस्तिष्क को लेके, ब्रेन को लेके, और थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन है इंटेंस अभ्यास के लिए। कुछ समय पहले हमने बात की थी कपाल भाती को लेके कि कैसे वो सभी रूपों में उपयोग में लाया जाता है। कई जगह वो प्राणायाम के रूप में उसका उपयोग होता है, कई जगह क्रिया के रूप में, कई जगह साधना, कई जगह तपस्या के रूप में। आज हम इसी अभ्यास को समझेंगे ब्रेन को लेके। आपका ब्रेन आपका सबसे बड़ा एक अस्त्र मान के चले, एक ऐसा वेपन है, यदि ये शक्तिशाली होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ भी, पृथ्वी पर भी, और जहाँ भी आप आगे निकलते हो, वहाँ की तैयारी ब्रेन की शक्ति पर निर्भर करती है। तो कपाल साधना एक बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास माना गया है योग और आध्यात्म में। उसी कपाल साधना में कपाल भाती अभ्यास, कपाल भाती की जो तपस्या है वो की जाती है। आज का जो आपका प्रश्न है कि ब्रेन को कैसे मजबूत करें और उसमें कपाल भाती का क्या उपयोग है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसका नाम देखें, कपाल भाती। कपाल का मतलब है स्कल, भाती का मतलब हुआ चमकना, शाइन, शाइन हो, आपका स्कल जो है वो चमके। तो इसको आप सीधे सीधे अगर आप इसका अर्थ लेने लगेंगे तो अर्थ ये हो जाएगा कि आपकी जो ब्रेन है, आपका जो स्कल है वो चमके। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। जब व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वह बहुत अच्छा सोच सकता है, और फिर उस सोच को कैसे अपने जीवन में लेके आए, उसका उपयोग कैसे करें, और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी सरल हो जाती हैं किसके लिए, जिसके पास कपाल की शक्ति है। तो अभ्यास क्या होगा, उस अभ्यास में ये प्रश्न फिर आपका लगता है कपाल भाती प्राणायाम के रूप में। अब कपाल भाती जब हम प्राणायाम के रूप में अभ्यास कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि आपके ब्रेन को किस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाए। और सरल भाषा में हम यह समझें कि जो रक्त का प्रवाह है आपके ब्रेन की तरफ, आपके हेड की तरफ, उसको आप किस प्रकार से संचालित करते हो। रक्त के प्रवाह को आप कितना सुंदर बना दोगे, वही कपाल भाती प्राणायाम हो जाएगा। उस अभ्यास में आज के लिए आप सीखेंगे वाम भाग कपाल भाती। तो ये फिर थोड़ा सा अब आप और गहरे चले गए। पहला है कपाल भाती, जिसमें दोनों नासिकाओं का समान रूप से उपयोग होता है। आज हम अभ्यास कर रहे हैं वाम भाग कपाल भाती। क्या अर्थ हुआ इसका कि जो दक्षिण भाग है, राइट साइड जो है, वो एक्टिव नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी, और वाम भाग, लेफ्ट साइड जो है, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब जब आप एक भाग से ही कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर बदल जाएगा। जैसा आपने वाम भाग कपाल भाती का अभ्यास किया, इसी को हम अगले चरण में समझेंगे, दक्षिण भाग कपाल भाती। वहां पर क्या होगा, आपका वाम भाग, लेफ्ट साइड, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, या फिर ये समझो कि उसको रोक दिया जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा, और दक्षिण भाग, इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। तो वाम भाग कपाल भाती में दाई नासिका को बंद कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आप कपाल भाती करते हैं उसी प्रकार से आप कपाल भाती करेंगे, लेकिन राइट साइड बंद रहेगी, लेफ्ट साइड खुली रहती है। तो आपने देखा किस प्रकार से राइट साइड की नोस्ट्रिल बंद कर दी गई
और लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल का उपयोग किया गया। इस अभ्यास में मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका क्या अर्थ है कि जितना समय आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को दिया उतना ही समय फिर राइट नोस्ट्रिल को दिया जाता है। दोनों अभ्यास साथ में किए जाते हैं। अभ्यास करने का समय सुबह का माना जाता है। खाली पेट इसका अभ्यास होता है जिससे आप किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। जितना आप अपने शरीर को शांत रख के इसका अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। फिर याद रखें, आपके ब्रेन का भोजन है रक्त। अच्छा रक्त यदि आप अपने ब्रेन तक पहुंचा पाते हैं तो आपका ब्रेन नर्चर होता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। ये ऐसे ही जैसे आपका शरीर है, अगर आपने अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो अच्छा भोजन, अच्छे न्यूट्रिशन देने होंगे। ब्रेन भी आपके शरीर का एक अभिन्न अंग है और एक ऐसा अंग है जो बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है। उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उसी के लिए इसी विचार से कपाल साधना को इतना महत्वपूर्ण माना गया और इसी कारण से कपालभाति को एक अद्भुत चमत्कारी अभ्यास भी माना गया है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति बिल्कुल मूड स्थिति में है, कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, यदि वह भी इसका नित्य अभ्यास करता चला जाएगा तो उसको बहुत लाभ प्राप्त होंगे और शक्तिशाली हो जाता है। उदाहरण लीजिए, जैसे कोई बच्चा अपने एग्जाम लिखता है और फेल हो जाता है, लेकिन इसी की क्लास में जो बाकी बच्चे हैं, जो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, वो भी उसी टीचर से सीख रहे हैं, तो ऐसा क्या अंतर आ गया कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स आते नहीं, जीरो होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आते हैं अपनी शीट को, वो ऐसा क्यों होता है? पढ़ाते समय अध्यापक एक ही ज्ञान दे रहा है सभी शिष्यों को, लेकिन कुछ का मस्तिष्क ज्यादा काम कर रहा है और कुछ का ब्रेन बहुत नीचे होता है, काम नहीं कर पाता। वहां इस अभ्यास का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आप जैसे जैसे अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से एक्टिवेट करते चले जाएंगे तो आप ही वो हैं जो अपनी क्लास में फेल हो रहे थे, लेकिन जीवन में आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो क्यों प्राप्त किया आपने? या कोई ऐसा मनगढ़ंत विचार तो है नहीं कि आपने स्कूल में अच्छा पढ़ना ही नहीं है उसके बाद फिर जीवन में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ना है उससे फिर आप जीवन में आगे सक्सेसफुल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति का ब्रेन जब उसका साथ देना शुरू कर दे तो वो विजयी होगा ही होगा। इसीलिए जब आप देखते हैं कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वह आशीर्वाद आपके सर को देते हैं, और कई ऐसे उदाहरण आप अपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे जहां यदि भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान भक्त के मस्तिष्क पर ज्ञान रखता है, अपना शंख रखता है, और शंख प्रतीकात्मक है ज्ञान के लिए। हमारा जीवन ज्ञान पर ही निर्भर है। जितना आपका ज्ञान उतना आपका जीवन। जैसा इस समय आप इस संसार को देख रहे हैं वो आपके ज्ञान पर निर्भर है। आगे बढ़ना है तो ज्ञान को और बढ़ाना, उसको बढ़ाने के लिए जो कंटेनर है उसी को ब्रेन कहा जाता है। उस ब्रेन को डेवलप करने के लिए ही कपाल साधना, उसी कपाल साधना में फिर आपने आज वाम भाग कपाल भाति को सीखा और समझा। इस अभ्यास को सुबह करना है खाली पेट। लगभग 10 मिनट का अभ्यास आपके लिए बहुत होगा। धीरे धीरे करें और फिर आगे बढ़ते चले जाएं। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ भविष्य में हम फिर दक्षिण भाग कपाल भाति पर भी चर्चा करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें।